दिस इज़ आफ इन शेक एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आप लोग आज मुझे देख रहे होंगे कि मैंने ऐसा लुक क्रिएट किया है, आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही वाला लुक शेयर करने वाली हूँ। सो आप लोग प्लीज़ देखिए कि मैंने इस लुक को कैसे अचीव किया है और कैसे मैंने इस लुक को ऐसे बनाया है। और हाँ, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ कि आपके पास जो ज्वेलरीज अवेलेबल होंगी आप वही पहनिएगा। अभी फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं थी बिकॉज ये मेरा फेस्टिवल तो नहीं है, बट स्टिल मैंने ये मेकअप आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैं लाइव में आई थी तो मुझे बोला गया था कि मैं ये मेकअप शेयर करूँ, नवरात्रि गरबा मेकअप लुक। सो दैट्स वाई मैंने ये क्रिएट किया है। आप लोग देखिएगा कि मैंने कैसे अचीव किया है और आप लोगों को देखना है ना आप लोगों को। सो लेट्स सी एंड विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने फेस एंड नेक पर प्राइमर लगा लूँगी इस तरह से, एज़ यू कैन सी। एंड देन मैंने यहाँ पर पॉन्स की बीबी क्रीम लिया है और मैंने इसे डॉट डॉट देके ऐसे अपने फेस एंड नेक दोनों पर लगा लिया है। और मैं अपने फिंगर्स से ही इसे पूरा ब्लेंड करूँगी बिकॉज उससे अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है। एंड बीबी क्रीम के लिए कोई अलग से ब्रश या ब्लेंडर की इतनी नीड नहीं होती है, सो दैट्स वाई मैंने फिंगर से ही अपने ब्लेंड कर लिया है। And after that I'm using Maybelline Eyebrow Kit and you can see guys that I already have black eyebrows but still I'm filling this because मुझे जो मेकअप का लुक है वो अच्छा चाहिए। सो मैंने दोनों भी आईब्रोज को अच्छे से फिल कर लिया। ग्रे कलर का शेड है ये बिकॉज मैं ब्राउन और ब्लैक बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकती, ऑलरेडी मेरा ब्लैक है आईब्रोज, सो दैट्स वाई। एंड देन ये ADS का पेन स्टिक मेरे हाथ में है, मैं इसे एज एन आई शेडो बेस यूज़ कर रही हूँ, एज अ कंसीलर भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो या अब मैं दोनों आईलिट्स पर इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, अच्छे से लगा लूँगी। एंड देन मैं यहाँ पर लूज़ पाउडर से उस बेस को सेट कर रही हूँ, एज़ यू कैन सी गाइज। आप कोई सा भी लूज़ पाउडर ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रांजिशन शेड बहुत ही लाइट लिया है। सो गाइज, आफ्टर ट्रांजिशन शेड मैंने यहाँ पर डार्क शेड पिक किया है, ये ADS का आई शेडो पैलेट है। सो आउटर कॉर्नर जो है मैं वहाँ पर अच्छे से इसे लगा लूँगी ताकि इसका कलर मुझे मिल जाए, और जब तक इसका कलर मुझे नहीं मिलेगा मैं लगाती रहूँगी बिकॉज मुझे डार्क शेड चाहिए। सो अब मैं यहाँ पर गोल्डन कलर, ये देख रहे हो आप, ये मैं पिक कर रही हूँ और इसे अपनी आईलिट्स पर मैं लगा लूँगी कुछ इस तरह से। सो यू कैन सी गाइस, अच्छे से यहाँ पर आई शेडोज़ मेरे अच्छे से लग गए हैं। एंड अब मैं यहाँ पर लैक्मी का इंस्टा लाइनर जो मैं हमेशा लिक्विड वाला यूज़ करती हूँ वो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। एंड स्ट्रेट लाइन मैं लूँगी, कोई विंग नहीं कुछ नहीं, बस मैं स्ट्रेट लाइन लूँगी एंड अच्छे से लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैं लगा रही हूँ, अब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दी है मैंने, कुछ भी उस पर मैंने ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ किया नहीं है। सो यहाँ पर मस्कारा मैंने मैक का यूज़ किया है, अब मैं मस्कारा लगा लूँगी पूरा। सो दोनों भी आईलैशेस में मैं मस्कारा लगा ली हूँ। अब मैंने यहाँ पर लोअर लैश लाइन पर आईलाइनर इस तरह से स्ट्रेट लाइन लेकर लगा ली है, कुछ थिक नहीं किया है उसको मैंने। एंड इसके बाद मैं अपनी दोनों भी आईज़ में अच्छे से काजल लगा लूँगी, आइकॉनिक का मैंने काजल यहाँ पर लिया है और अब मैं अच्छे से दोनों भी आईज़ में लगा लूँगी। एंड या लेट मी टेल यू वन थिंग गाइज, दैट मैंने ऑफ कैमरा लोअर लैश लाइन पर मस्कारा लगा ली हूँ, जब मैंने आईलाइनर नीचे स्ट्रेट लाइन लेकर लगा ली थी तभी मैंने लगा ली थी। सो यस, आई मेकअप मतलब फाइनली कम्प्लीट हो चुका है, यू कैन सी आई शेडो भी आप लोगों को दिख रहा होगा। सो गाइज, आफ्टर दी आई मेकअप मैंने यहाँ पर जो बीबी क्रीम लगाया था ना तो उसे मैं अब सेट कर रही हूँ, ये मैंने लूज़ पाउडर से पूरा सेट किया है। आप कोई सा भी लूज़ पाउडर ले सकते जो आपके पास हो, पॉन्स का या फिर बनाना जैसा कुछ भी ले सकते हो आप, बनाना पाउडर जो होता है। अब मैंने यहाँ पर ब्लशर जो है ना, सॉरी मैंने आपको गलत दिखा रही थी, ये वाला मैंने लिया है शेड, तो ब्लशर मैं इस तरह से अब लगा लूँगी। नाउ आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी हाईलाइटर एंड इसमें जो सेकेंड वाला शेड था वो मैंने लिया है, थोड़ा वाइट टाइप का है और इस तरह से नोज़ पर भी मैंने लगा लिया है और चीक बोन्स पर भी लगा लूँगी, क्यूपिड बो पर भी एंड चिन पर भी, अदरवाइज ब्रो बोन्स पर भी मेरे को लगाना है तो मैं वहाँ पर भी लगा लूँगी।
और यहाँ पर तो मैंने जस्ट ऐसे ही लगा ली हूँ, आप भी लगा सकते हैं। ओके एंड नाउ मैं यहाँ पर ये लिप बाम लगा रही हूँ, और लिप बाम लगाने के बाद मैं यहाँ पर जो ADS का पैन स्टिक आप लोगों ने देखा था ना, उसे ही यहाँ पर इसके ऊपर लगा लूँगी ताकि मेरी लिपस्टिक प्रॉपरली लगे, और बहुत ही अच्छा लुक आता है ऐसे लगाने से। आप भी ट्राई करें ये वाला हैक। और अब मैंने कंसीलर, मतलब एज अ कंसीलर ही यूज़ किया है मैंने ये पैन स्टिक को, तो थोड़ा सा इसे डैप डैप किया है मैंने, पूरा ट्विस्ट नहीं किया है, वो ऐसा दिख रहा है कैमरा में। अब ये हो चुका है कंसीलर लगा के, अब मैं अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लूँगी, लिप लाइनर अच्छे से लगा लूँगी। एंड यू नो वॉट गाइज, मैंने ये स्टेप इसलिए किया है ताकि मेरे जो लिप्स है वो ड्राई ना हो। अगर हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं लिक्विड मैट लिपस्टिक को तो आपके जो लिप्स है ना बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, बहुत अजीब दिखता है, आप ट्विस्ट भी नहीं कर पाते अपने लिप्स को। मेरा ये एक्सपीरियंस रह चुका है। सबसे पहले आप लिप बाम, उसके बाद कंसीलर एंड देन लिप लाइनर लगाए, और फिर आपकी जो फेवरेट लिपस्टिक होगी आप वो लगा सकते हैं, कोई भी लिपस्टिक हो। सो यहाँ पर मैं ADS Pro की लिक्विड मैट लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही प्यारा सा शेड है ये, मेरा फेवरेट है, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। मैं ऑलवेज मतलब ज़्यादातर मैं यही लगाती हूँ। अगर आप ये वाला हैक ट्राई करते हो तो आप जो है आपके लिप्स को आराम से ट्विस्ट कर पाओगे, अदरवाइज बिल्कुल ड्राई हो जाता है आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज, अगर आपको फिर भी मैट दिखाना है तो आप लूज़ पाउडर एंड में अपने लिप्स पर ऐसे डैप डैप करके लगा सकते हो। सो हो चुका है कंप्लीट, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सेटिंग स्प्रे। अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है, और इस तरह से अब मैं इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी, या तो फिर अगर मुझे जल्दी है तो मैं डैप डैप कर लूँगी अपने पाम्स से इस तरह से, ताकि वो अच्छे से जज्ब हो जाए। मैंने यहाँ पर पहन ली है जैकेट, एंड अब मैं हेयर स्टाइल यहाँ बनाने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पर बीच में मांग निकाली है, और थोड़े थोड़े बाल मैंने लिए हैं, और इस तरह से मैं अब ब्रेड बना रही हूँ, एज़ यू कैन सी। तो मैंने बना लिया है ब्रेड अच्छे से, एंड अब मैं अपने स्ट्रेटनर की हेल्प से इसे हीट करती जाऊँगी, जैसे हम स्ट्रेट करते हैं ना हेयर, उसी तरह से मैं इसे ऐसे करती जाऊँगी, ताकि ये जो है मुझे सिर्फ सामने ही फ्रंट साइड पर ही मुझे चाहिए थोड़ा सा कर्ली, ताकि लुक थोड़ा सा अच्छा लगे। सो हो चुका है ये, मैं बाकी हेयर नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो ये वाला हैक अपने पूरे हेयर में ट्राई कर सकते हैं। अब मैं स्केच आईलाइनर की हेल्प से यहाँ पर 3 डॉट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये लुक में, तो मैं इस तरह से उसे क्रिएट कर लूँगी, यहाँ पर भी मैं लगा लूँगी। सो मेरे पास ये स्केच आईलाइनर है तो मैंने इसकी हेल्प से लगा लिया है। आप लिक्विड आईलाइनर का जो होता है ना ब्रश, उससे भी लगा सकते हैं। सो हो चुका है डॉट्स लगाकर, एंड ये मेकअप ऑलरेडी मतलब पूरा लुक कंप्लीट हो ही चुका है। सो एज़ यू कैन सी, आप पूरा मेरा लुक देख सकते हो। सो कैसा लग रहा है आप लोगों को ये मेकअप, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि आप लोगों को अपडेट्स जो है नेक्स्ट मिलती रहे। और हाँ, ये जो मैंने शॉर्ट्स लिया है ना, ब्यूटी शॉर्ट्स, ये हैं आउटसाइड के, यानी कि मैंने इसे डे लाइट में लिया है। आप लोग देख सकते हो मेकअप कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ये लुक ज़रूर लाइक करना वीडियो, ताकि मुझे पता चल सके। अब मैं मिलूंगी आप लोगों को मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।